अगर है अपनी सेहत से प्यार तो करें सब्सक्राइब माय उपचार और बेल आइकन दबाएं हर दिन हेल्थ टिप्स पाने के लिए। नमस्कार, आज का हमारा वीडियो कुछ बड़ा साइंटिफिक नहीं है। आज क्या हुआ, मैं एक छोटा सा आपका मेरा एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मैं मेरे बच्चों के साथ बाहर घूमने गई थी, तो वहां पर मैंने एक लेडी देखी जिसके पास, एक औरत देखी जिसके पास 2 महीने का छोटा सा बच्चा था, और वो अपनी कार का पीछे का दरवाजा ओपन था और बच्चे को कार सीट पे रखा था, और बच्चे ने पॉटी कर दी थी तो क्लीन कर रही थी। पर इनके पास मैंने देखा कि बेबी बैग नहीं थी जिसमें हम सारा कुछ कैरी करते हैं, तो पॉटी जो की थी गंदा हुआ था डायपर, उन्होंने क्लीन किया, डायपर फेंक दिया उधर, और फिर बच्चे को जो कपड़े थे वही डाले, और वो छोटा बच्चा है 2 महीने में उसने फिर से गंदा कर दिया, तो जो डाले थे कपड़े वो भी गंदे हो गए। पर अभी इस औरत के पास कुछ दूसरा माजरा नहीं था कि दूसरे कपड़े भी लाए नहीं थे, तो उन्होंने वैसे ही वो कपड़े डाले, वो बच्चा भी रो रहा है, माँ भी टोटली कंफ्यूज थी। तो मुझे आज लगा कि मैं ऐसा वीडियो करूँ कि आप माँ बाप दोनों को भी इट इज इंपॉर्टेंट कि मैं बच्चे के साथ बाहर जाता हूँ तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, और ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, बच्चों के डॉक्टर के पास जाते हो, क्योंकि कभी कभी वेटिंग एरिया में ज्यादा टाइम आपको रुकना पड़ता है, बच्चे रो सकते हैं, गंदा कर सकते हैं, भूख लग सकती है, बहुत चीजें हो सकती है। तो मुझे आज लगा कि मैं ये वीडियो कह रहा हूँ कि आपके साथ क्या क्या चीजें आपने लानी चाहिए जब आप डॉक्टर को मिलने को आते हैं। नंबर 1, खुद खा के आइए, बच्चे को भी खिला के लाइए। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है तो ब्रेस्ट फीड पूरा कीजिए, बॉटल फीड पे है बॉटल दीजिए, अगर कॉम्प्लीमेंट्री फीड यानी बाहर के फीड पे है तो उसको बाहर का भी फीडिंग दे के पूरा पेट भर के अपॉइंटमेंट के टाइम से पहले आ जाइए। दूसरा, अगर बच्चे साथ में आप थोड़ा छोटा सा टिफिन लाइए, जिसमें अगर बच्चा बाहर के फील्ड पे है तो एक एप्पल या फिर उसका फेवरेट बिस्किट या फिर उसका फेवरेट जो भी है वो छोटा सा टिफिन में डाल के लाइए, ताकि अगर आपके वेटिंग रूम में ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़े और बच्चे को भूख लगे तो आप तभी उसको दे सके। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट है, बेबी बैग ला दीजिए। बेबी बैग है ना, जिसमें आप बेबी का डायपर, उसके वाइप्स और एक स्पेशली डिस्पोजेबल बैग यानी एक प्लास्टिक या फिर कागज की बैग जिसमें आप गंदा हुआ डायपर या फिर वाइप्स उसमें डाल के डिस्पोज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं क्लिनिक में जब आते हैं पेशेंट्स तो गंदा होने के बाद वो फिर ढूंढने लगते हैं कहाँ फेंके, तो इससे अच्छा है आप अपने खुद के डिस्पोजेबल बैग में डाल के फिर डिस्पोज कर दें। चौथा, मेडिकल रिकॉर्ड। सारे डॉक्टर्स टेक सेवी नहीं रहते, सभी के पास कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड्स नहीं रहते, तो आपके इम्यूनाइजेशन कार्ड, आपका ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन, जो भी पहले के प्रिस्क्रिप्शन है, सारे साथ में लाइए। अगर हाँ आपके डॉक्टर के पास सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं कंप्यूटर में तो आप नहीं ला सकते, फिर भी ये रिकॉर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। चौथा, बेबी पांचवा पॉइंट है, बेबी का टॉय। थोड़े बच्चे होते हैं जिनको अपने खुद के टॉय से बहुत लगन रहती है। आप बच्चों के डॉक्टर के पास जब जाओगे तो उनके क्लिनिक में तो बहुत सारे टॉयज पड़े रहेंगे, पर थोड़े बच्चे रहते हैं जिनको अपना खुद का टॉय बहुत अच्छा लगता है, उनको उसी से खेलना रहता है, तो प्लीज आपके साथ वो बच्चे का स्पेशल टॉय लीजिए, और ये टॉय मोबाइल या आईपैड नहीं होना चाहिए, उसका कुछ टॉय रहना चाहिए, जैसे कुछ क्लिनिक में छोटा सा पिगलेट जो होता है उनका, विनी द पूह ऐसे कुछ टाइप का होना चाहिए, या फिर उनका सॉफ्ट टॉय जिसको उसको बहुत लगन होती है। छठा है ड्रेस। आपका ड्रेस यानी माँ का ड्रेस और बेबी का ड्रेस दोनों ही इजी होना चाहिए। अभी इजी यानी क्या, अगर माँ ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हो तो उसको इजीली ब्रेस्ट फीडिंग करने आना चाहिए, और दूसरा बच्चे के कपड़े सिंपल रहने चाहिए ताकि डॉक्टर को उसको चेक करने के लिए इजी जाए, या फिर आपको कपड़े निकालने के लिए और डालने के लिए भी इजी जाए। बाहर से आप लपेट सकते हैं बच्चे को तो गर्म रह सके, पर अंदर जो कपड़े डालते हैं वो सिंपल डाल दीजिए, ना कि रॉम्पर सिंपल जिसमें इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट निकालने के लिए कपड़े, और प्लस बच्चा को जब वजन करते हैं तभी ये जब जाड़े कपड़े डालते हैं उसे वजन बढ़ जाता है, तो कम से कम कपड़े डालिए, और डॉक्टर को जब अंदर मिलने जाते हैं तब तो जितना सोशली एक्सेप्टेबल हो जाए उतना कम कपड़ा बच्चे को डालना चाहिए। सातवां जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप प्लीज एक पर्चे पर या फिर मोबाइल में नोट्स रहते हैं वहां पर लिख लीजिए कि मैं आज किस लिए आई हूँ, मैं ये डिस्कस करूंगी, ये मैं इतने पॉइंट्स डॉक्टर के पास डिस्कस करने वाली हूँ। हर बार तो आप बच्चे को बुखार आता है या खांसी आता है इसलिए नहीं जाओगे, कभी रेगुलर चेकअप के लिए जाएंगे तब आप क्या करोगे, बच्चे का डिवेलपमेंट, मेरे बच्चे की ग्रोथ ठीक है या नहीं, वो क्या खाता पीता है, या फिर उसका इम्यूनाइजेशन, इसके बारे में जो भी आपको पूछना है वो पॉइंट्स लेके आ जाइए, ताकि आप
फास्ट पूछ सके डॉक्टर से, डॉक्टर भी आपको उतने टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सके, और डेफिनेटली आपका डॉक्टर ये अप्रिशिएट करेगा कि आपने लिख के लाया है। बहुत बार ऐसे होता है कि माँ पेरेंट्स आते रहते हैं, हाँ मुझे ये पूछना है, उसके बाद माँ पिता डिस्कस है और क्या पूछे और क्या पूछे, उसके बाद में हाँ इसके बारे में पूछना है, तो इससे टाइम वेस्ट होता है जो आप अगर वेस्ट ना किए तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।